प्रोसेस आगे है और ये सिंगल क्वेश्चन हो रहा है। हमें बहुत हद तक उम्मीद है कि ये आज से ही कम होना शुरू हो जाएगा और इससे हरेसमेंट के केस बहुत कम हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सब फड़े जानगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप वीडियो के अंदर शुरू में मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि पुलिस जो है, लेडीज पुलिस, वो सड़क पर भाग रही हैं और जो कि मनचले नौजवान हैं जो कि लड़कियों को देखने के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के सामने खड़े होते हैं और उनको छेड़ने और हरासा करने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, उनको पकड़ने के लिए लेडीज पुलिस जो है वो इन एक्शन है और रोडों के ऊपर निकल आई है। और फैसलाबाद के अंदर जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर जो है वो लेडीज पुलिस को तैनात किया गया है ताकि खवातीन को, खवातीन के हरासा करने के जो वाकयात कसरत से सामने आ रहे हैं उनको रोका जाए। तो इसी सिलसिले के अंदर ये मदीना टाउन और इस्लामिया कॉलेज के बाहर जो है वो पुलिस कांस्टेबलान और एसएचओ वुमेन जो है वो मौके पर मौजूद हैं और वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मनचले नौजवान उनको देखकर दौड़ लगाते हैं। तो पुलिस, लेडीज पुलिस एहलकार जो है, कांस्टेबलान, एसएचओ वुमेन और लेडीज पुलिस कांस्टेबलान उन मनचले नौजवानों के पीछे भागती हैं और कई मनचले नौजवानों को जो है वो पकड़ा भी गया है जो कि लड़कियों और स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बाद हरासा कर रहे थे। तो इस सारे मामले को फिल्म बंद करके तो फैसलाबाद पुलिस ने जो है वो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर जो है वो लोगों के सामने पेश किया है ताकि जो है मनचले नौजवान जो कि लड़कियों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बाहर जो है वो जाकर हरासा करते हैं और उनको छेड़ते हैं, उनको ये तनबीह हो जाए और उनको ये कान हो जाए कि दोबारा जो है वो ऐसे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बाहर जाके किसी स्टूडेंट्स को जो है वो तंग नहीं करना, हरासा नहीं करना, वरना मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और कई मुकदमा दर्ज हो भी गए हैं, कई मनचले नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जो तालबात हैं उन्होंने एतमाद और इतमान का इजहार किया है कि उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो वुमेन पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है ताकि आने जाने वाले जो मनचले नौजवान हैं उनको हरासा ना कर सके, उनको छेड़ ना सके। आए आपको सुनवाते हैं कि तालबात ने अपना जो है वो इत्मीनान और इत्माद का इजहार कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशारा जंग है और मेरा नाम हिमान है और हम पंजाब कॉलेज के डीएसटी क्लास में स्टूडेंट्स हैं। हम लोग जब कॉलेज आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लड़के और इवन मर्द जिनको हम अपने बाप के स्टेज पे देखते हैं वो भी हम लोग को हैरेस कर रहे होते हैं। सड़क क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, जैसे हम सड़क क्रॉस करते हैं तो वो इतना भी हेल्प करते हैं जैसे कोई वो बच्चे हो और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, शूटिंग करते हैं मोड़ा हमसे सड़क क्रॉस नहीं हो पाती, हम हैरेस फील करते हैं। लेकिन जब से पुलिस आ गई है और ये सिंगल क्वेश्चन हो रहा है हमें बहुत हद तक उम्मीद है कि ये आज से ही कम होना शुरू हो जाएगा और इससे हैरेसमेंट के केस बहुत कम हो जाएंगे और हमारे जैसे बहुत सारी बच्चियाँ कॉलेज आते हुए सेफ फील करेंगी और फिल्म में उनकी कोई भी रुकावट नहीं पैदा हो। मेरा नाम सिकर अफजल है और मैं पंजाब कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रही हूँ। तो मैं जो आजकल इमर्जिंग इश्यूज है लड़कियों को, बच्चियों को, क्योंकि हम भी फीमेल है, हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, पंजाब पुलिस की तरफ से ये जो इल्जाम उठाया गया है तो तकरीबन काफी जो मुकदमात है अभी तक दर्ज कर लिए गए हैं खवातीन को हरासा करने के लिए। आप नाज़रीन जैसा कि जानते हैं पाकिस्तान में ये ऐसे वाकयात बहुत सारे जो है वो रोजाना सामने आते हैं और उस वजह से जो है वो पाकिस्तान की दूसरे ममालिक में जो है वो बदनामी भी होती है क्योंकि इस एक भी जो खवातीन को हरासा करने का मामला हाईलाइट हो जाए, खवातीन को हरासा करना दूसरे ममालिक में जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता, तो इस तरह पाकिस्तान की जो बदनामी होती है। तो इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए, मैं आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।